एक सवाल हो रहा है रमज़ान ही से रिलेटेड है कि अगर किसी शख्स ने सहरी में रोज़े रखने की दुआ पढ़ ली और या नियत कर ली रोज़े की, खाना पीना उसने बंद कर दिया, अभी वक्त था, और नियत के बाद वो शख्स अगर वापस कुछ खाना पीना चाहे तो इससे कोई हर्ज वाली बात है या नहीं? और ये सवाल वो है ना बार बार रिपीट होके आ रहा है, बार बार रिपीट होकर आता है, और हालांकि रमज़ान के प्लेलिस्ट में गालिबन इससे रिलेटेड वीडियो बनी हुई होगी, लेकिन इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। यानी किसी शख्स ने अगर रोज़े की नियत कर ली और 15-10 मिनट पहले खाना पीना उसने बंद कर दिया और अभी रोज़ा ख़त्म होने में वक्त है, तो ऐसे में चाहिए कि वो शख्स अगर बाद में कुछ खा ले या पी ले वक्त के अंदर दोबारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा खाने पीने के बाद उसको फिर से दुआ पढ़ना ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि सहरी का खाना किसी का रोज़ा रखने की नीयत से यही उसके रोज़ा रखने की जो है यानी दुआ के कायम मकाम है, उसकी असल नीयत वो दिल ही का मामला है कि अगर उसने इस तरीके से खाया पिया उठकर रमज़ान के अंदर जैसे उमूमन या रोज़े की नीयत से सहरी कर ली और मुंह से ज़बान से कुछ नहीं बोला, तो इस सूरत में भी जो है शख्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दुआ पढ़ लेने के बाद भी अगर कोई खाना चाहे वक्त बाकी है तो खा पी लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।